Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Salar Khan YouTube channel, where today we discuss something that is not a part of our book. ये जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं जी, ये हमारे बुक में इंक्लूड नहीं है, ये फार्मूला जो है और ये जो डेरिवेशन मैं करूँगा, लेकिन इससे एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन ज़रूर आता है जी. तो ये एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाइट इंपॉर्टेंट है. एंड यू हैव ऑलरेडी सीन फ्रॉम द हेडिंग ऑफ द वीडियो, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वैक्टर. अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए जी, अगर आपको गिवन हो एक दो वेक्टर्स आपको गिवन हो, लेट से ये ए है और एक दूसरा वेक्टर बी है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका जब आप रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, जो कि मैंने तो गलत ड्रॉ कर दिया है जी, लेकिन आप अगर सही इसको ड्रॉ करें, देखें लेट सपोज ये है, तो ये रिजल्टेंट अगर आप ड्रॉ करते हैं, सो ये आप सिंपली इसका मैग्नीट्यूड फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम मालूम कर सकते हैं, वेयर आर स्क्वायर्ड वुड बी ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है कि नहीं है जी? बिल्कुल ठीक है. स्पेलिंग पता नहीं मैंने ठीक लिखी या गलत, ये तो ठीक हो गया है जी. ये तो सिंपल बात है, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, हेड टू टेल रूल से आप ऐड करते हैं जी. हम हेड टू टेल रूल भी पढ़ चुके हैं, हम एनालिटिकल मेथड भी पढ़ चुके हैं, ये हम एक जनरल सी बात कर रहे हैं इसके ऊपर. फॉर एग्जांपल ये मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से सिंपली फाइंड कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई वेक्टर्स हो, फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर ए है, लेट सपोज ये एक वेक्टर ए है, ये एक दूसरा वेक्टर बी है, एट सम एंगल है जी इससे, एट सम एंगल है, तो क्या इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप उस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते. एरो हेड जिस पर अपने लिए डाला करें, नहीं कर सकते जी. तो इसके लिए मैं अभी जो है एक फॉर्मूला डिराइव करने लगा हूं. अब ये एक एंगल पे है, दैट एंगल इज व्हाट, लेट्स से दैट एंगल इज थीटा. सो ए और बी के दरमियान एक एंगल थीटा है, और तो मैंने कहा था कि ये ए और बी जो है ये टेल्स के दरमियान होगा, तो इस टेल को अगर आप इधर पुट करें तो ये भी अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो अगेन ये ए और बी के दरमियान एंगल भी है, या फिर बी का एंगल एक्स एक्सिस के साथ भी है. तो बेसिकली एक फॉर्मूला आपको बताया जाता है कि आर का जो मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज द वैक्टर ए स्क्वेर्ड प्लस बी स्क्वेर्ड इनके मैग्नीट्यूड प्लस 2 times a b cos of theta and under the root. तो ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है, प्रूफ आपको नहीं समझाया जाता. आपको कहते हैं कि इसके अब्सॉर्ब करें और एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं. अच्छा, तो देखें, एनीवेज ये हम अभी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे. प्रूफ अब किस तरह करेंगे, सिंपल. अब पाइथागोरस थ्योरम मैं इस पर अप्लाई नहीं कर सकता. पाइथागोरस थ्योरम आपका लगता है जी फॉर व्हाट, फॉर ओनली टू ओनली अ राइट एंगल ट्राइंगल. लेकिन ये मेरे पास जो है बना हुआ है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, तो मैं इसको बनाता हूं जी राइट एंगल. अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इस वेक्टर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ऑन बोथ द एक्सिस, तो देखें तो क्या ये इसका जो कंपोनेंट है ये बी एक्स कंपोनेंट नहीं होगा? क्या ये जो इसका कंपोनेंट है, क्या ये बी का वाई कंपोनेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी. तो अब अगर आप इस होल ट्राइंगल को देखें, ये जो ब्लैक भी इंक्लूडेड है, क्या अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया, कंसिडरिंग दिस एंगल एज 90 डिग्रीज? व्हाई? बिकॉज दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. सही हो गया जी? बिल्कुल ठीक. तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका जो बेस है वो ए प्लस बी एक्स है, और जो इसका परपेंडिकुलर है वो बी का वाई कंपोनेंट है. तो अब मैं ऊपर इसके ऊपर जो है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं, जिसका मतलब कि जो आर का स्क्वायर्ड होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड, नो सॉरी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड, दिस वुड बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर्ड ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर्ड प्लस द परपेंडिकुलर का स्क्वायर्ड व्हिच वुड बी बी वाई स्क्वायर्ड. सही हो गया जी? बिल्कुल सही हो गया. अब आप क्या कर सकते हैं जी, इसके ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर्ड, सो दिस वुड बी ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस टू ए बी, और ये अपनी जगह पर.
अब देखें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपने पढ़े हैं, तो क्या बी एक्स बी टाइम्स कॉस ऑफ फाई नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कॉस थीटा क्या होता है जी? एज कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट? बी एक्स अपॉन बी। तो दिस वुड इंप्लाई व्हाट? कि बी एक्स जो है वो क्या है जी? बी टाइम्स कॉस ऑफ थीटा है कि नहीं है? बिल्कुल है। सिमिलरली साइन ऑफ थीटा बी वाई अपॉन बी होगा कि नहीं होगा? उस राइट एंगल छोटे ट्राइंगल को कंसिडर करें, बिल्कुल होगा। तो क्या बी वाई बी टाइम्स साइन ऑफ थीटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी। तो आर स्क्वेर्ड वुड बी ए स्क्वेर्ड प्लस बी स्क्वेर्ड कॉस स्क्वेर थीटा प्लस 2ab cos ऑफ थीटा और प्लस b स्क्वेर्ड sin स्क्वेर्ड ऑफ थीटा। ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक। अब देखे इन दोनों में b स्क्वेर्ड कॉमन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो r स्क्वेर्ड वुड बी a स्क्वेर्ड प्लस b स्क्वेर्ड कॉमन है sin स्क्वेर्ड थीटा प्लस cos स्क्वेर्ड थीटा अंडर रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? बिल्कुल। प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब आपको एक फॉर्मूला पता है जी कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन होता है कि नहीं होता? ये वन हो जाएगा। और मैं अगर स्क्वेयर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे वन ओवर टू लेता हूँ, स्क्वेयर रूट की पावर लेता हूँ, तो क्या ये स्क्वेयर कैंसिल नहीं हो जाएगा? तो आर का मैग्नीट्यूड क्या मेरे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos of theta नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। All whole under the root, बिल्कुल आ जाएगा। और ये हो गया जी आपका formula proof for the magnitude of the resultant vector, where a is the magnitude of the first vector, b is the magnitude of the second vector, theta is the angle between the two vectors. Or aap idhar se dekh bhi sakte hai, theta is the x component of the b vector, lekin basically ye idhar aapko dikhai de raha hai. For multiple vectors you can say that this is the angle between the two vectors. समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। अब आपको चाहिए है कि आपको cos थीटा के कुछ वैल्यूज याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब हम वेरी करेंगे थीटा, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स को अब हम वेरी करेंगे और उसके मुताबिक हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखेंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इफ थीटा इज जीरो डिग्रीज, अगर थीटा जीरो डिग्रीज होता है तो कॉस ऑफ जीरो क्या होता है जी? वन होता है। तो रिजल्टेंट वुड बी व्हाट? रिजल्टेंट वुड बी ए स्क्वेर्ड प्लस बी स्क्वेर्ड और प्लस 2ab और cos of theta 1 होता है कि नहीं होता? अंडर द रूट आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। क्या एक फॉर्मूला नहीं है a plus b होल स्क्वायर्ड? a plus b होल स्क्वायर्ड है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या अंडर द रूट की पावर 1 ओवर 2 नहीं होती? बिल्कुल होती है जी। तो क्या r का मैग्नीट्यूड सिंपल a plus b नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। इधर से आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और ये कंक्लूजन क्या है कि अगर वेक्टर्स, दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो तो आप सिंपली उनको ऐड करें लाइक स्केलर्स, ऐड लाइक स्केलर्स, ऐड लाइक स्केलर्स। ये आपकी पहली कंक्लूजन हो गई। और दूसरी कंक्लूजन है दिस वुड बी द मैक्सिमम रिजल्टेंट, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा। यानी दो फोर्सेस है 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, तो अगर आप ऐड करें तो ज्यादा से ज्यादा 5 न्यूटन ही आ सकता है जी। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर आप लेते हैं थीटा इज इक्वल टू लेट सपोज 45 डिग्रीज के लिए करें, कॉस ऑफ थीटा पुट करें, जो भी आंसर आता है जी अंडर द रूट 2 times ab आता है। तो रिजल्टेंट जो आता है जी वो आता है अंडर द रूट 2 times a और b। ठीक हो गया जी? अच्छा बिल्कुल ठीक हो गया। फिर सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज के लिए अगर आप करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज पे कॉस ऑफ 90 क्या आता है जी? 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्रीज पे cos of 90 is cos of 90 is 0, तो cos of 90 0 हो जाएगा। तो resultant would be equal to under the root a squared plus b squared।
ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू, आप एंगल बढ़ाते जाए, चले 120 डिग्रीज के लिए आप खुद कर ले, जो भी आएगा जी, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज के लिए जो भी आता है। और जब आप थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज पुट करते हैं, विच इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो क्या आएगा, कॉस ऑफ 180 इज माइनस 1, तो ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab इंटू माइनस 1, तो माइनस 2ab, क्या ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, a माइनस बी होल स्क्वायर बिल्कुल है, अंडर द रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो क्या r का मैग्नीट्यूड सिंपली a माइनस बी नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस वेक्टर पे आप अगेन ये बता सकते हैं, इस एंगल के ऊपर आप दो कंफ्यूजन के आप सब्ट्रैक्ट करें, लाइक सिंपल स्केलर्स, सब्ट्रैक्ट लाइक स्केलर्स, और फिर जो है तो आप क्या करें, दिस इज द मिनिमम रिजल्टेंट दैट कुड अकर, द मिनिमम रिजल्टेंट दैट कुड अकर। सही हो गया जी, बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि जो हमारे पास थीटा का रेंज था, थीटा का रेंज क्या था जी, 0 से लेकर 180 डिग्रीज तक, 0 वाज द मिनिमम एंगल पॉसिबल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी वो पैरेलल होंगे, 180 एंटी पैरेलल द मैक्सिमम एंगल, और इसके मुताबिक द रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है 180 डिग्रीज पर वो मिनिमम है, आर मिनिमम, और 0 डिग्रीज पर वो आर मैक्सिमम है, तो ये आर मैक्सिमम से कम होगा जी, आर मिनिमम से ये ज्यादा होगा, इस तरह सही है ना, आर मिनिमम से ग्रेटर होगा और आर मैक्सिमम से लेस होगा, समझ आई, यानी 0 डिग्रीज पर, 0 डिग्रीज पर आपका जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम होगा और 180 डिग्रीज पर आपका रिजल्टेंट मिनिमम होगा, इन दोनों एंगल्स के बीच किसी भी एंगल पर वो लाई कर सकता है, एनीवेयर बिटवीन दीज टू। फॉर एग्जांपल दो फोर्सेस है जी, एग्जांपल लेट्स से F1 है जी 4 न्यूटन का और F2 है जी 8 न्यूटन का, तो इसमें अगर मैं आपको बताता हूं जी कि नंबर फर्स्ट, इफ दे आर एक्टिंग पैरेलल, थीटा इज 0 डिग्रीज, तो आप अगर इसमें पुट करते हैं, इस फॉर्मूले में आप पुट करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने आपको कंक्लूजन डिराइव की कि आप इसको सिंपली ऐड करें लाइक स्केलर्स, विच इज F1 प्लस F2, सो दैट वुड बी 8 प्लस 4 इज 12 न्यूटन, दिस इज द मैक्सिमम सम पॉसिबल। और सिमिलरली अगर आप लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो इस पर आप इस फॉर्मूले में अगेन पुट करने की जरूरत नहीं है, F1 माइनस F2 करें या F2 माइनस F1 करते हैं, जो भी करते हैं वो नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो करेगा, ये 4 न्यूटन आएगा, विच वुड बी द मिनिमम वन पॉसिबल। ठीक है जी, तो हमें मैक्सिमम भी मिल गया, हमें मिनिमम भी मिल गया, उन दोनों एंगल थ्रेशोल्ड्स के ऊपर। अगेन फॉर एनी अदर एंगल क्या होगा जी, द रिजल्टेंट लाइज बिटवीन व्हाट, बिटवीन 4 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। तो यानी जो आपको मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि जरूरी नहीं है कि 4 प्लस 7 से डायरेक्टली 11 आए, तो वो मैं इस बेस के ऊपर कह रहा था, अब इन दोनों को ऐड करने से, 4 और 8 को ऐड करने से 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7, 8, 9, 10, 11 या 12, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन दीज। अब मैं इधर देखता हूं कि अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हो, और क्वेश्चंस में जाने से पहले एक और अगर मैं आपको कंक्लूजन इधर बताऊं कि आप देख रहे हैं कि जितना आप एंगल बढ़ा रहे हैं,
थीटा बढ़ा रहे हैं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। जीरो डिग्रीज पर रिजल्टेंट मैक्सिमम है, बढ़ाते हैं कम होता है, और बढ़ाते हैं और कम होता है। मैक्सिमम एंगल 180 डिग्रीज पर आते हैं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम हो जाता है। तो एक और कंक्लूजन ड्रॉ करें कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स। ये आपको जी एमसीक्यूज में एंट्री टेस्ट में हेल्प करेगा जी। अब मैं एक दो क्वेश्चन इधर देखता हूं और आपको बताता हूं इसके ऊपर। सबसे पहले अगर इसके ऊपर कहता हूं R1 is equal to A plus B when theta is equal to 30 degrees, let's suppose MCQ चले लिखे R1 is equal to A plus B, वेक्टर का निशान खुद डाले, when theta is equal to 30 degrees, R2 is equal to A plus B when theta is equal to how much, let's say 60 degrees, then options आपको given है, A option है जी R1 is equal to R2, B option है R1 is greater than R2, C option है R1 is less than R2। तो कौन सा वाला सही होगा? तो देखिए, जब एंगल बढ़ेगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कम होगा, तो R2 का एंगल बढ़ा तो R2 का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कम होगा जी। सो R2 would be less than R1, which is option number B। R2 is less than R1, right? R2 is less than R1। अच्छा, लेट्स से एक और MCQ लिख के जी, जल्दी करें MCQ। A जो आपके पास है वो 8 यूनिट्स है, जो भी इसका यूनिट है जी। B आपके पास 8 यूनिट है, B is 10 यूनिट लेट्स से, और रिजल्टेंट जो है वो आपको गिवन है दैट इज 18 यूनिट्स। तो थीटा क्या होगा जी? थीटा आपसे पूछ रहा है, तो थीटा क्या आप बता नहीं सकते जी? ये मैक्सिमम सम नहीं है जी, मैक्सिमम सब कब होता है? जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज इसका आंसर है जी। समझ आई? बिल्कुल आई। अब एक और क्वेश्चन आता है जी इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द पॉसिबल सम ऑफ द टू वेक्टर्स, व्हाट इज पॉसिबल सम ऑफ द टू वेक्टर्स, और वो वेक्टर्स क्या है जी? 12 यूनिट एंड 15 यूनिट। तो इसमें ऑप्शन आपको पास जो है, ए है 28 यूनिट 2 यूनिट, 28, बी है जी 2, सी है जी 0 और फिर 8, 0 और फिर डी है 8। अब मैंने आपको बताया कि इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करते हैं, आपको मैंने कहा कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम लाई करेगा जी। तो आप इधर से आप मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करें। तो देखिए, मैक्सिमम कब होगा जी? मैक्सिमम होता है 15 प्लस 12 व्हिच वुड बी व्हाट, 27। तो 27 मैक्सिमम होगा, और मिनिमम वुड बी व्हाट, मिनिमम वुड बी 15 माइनस 12 व्हिच इज 3। तो इसका मतलब कि 3 से कम नहीं हो सकता, 27 से ज्यादा नहीं हो सकता। 28 27 से ज्यादा है, गलत। 2 3 से कम है, 0 3 से कम है। इसका मतलब 8 इज द राइट आंसर। दिस इज एन एंट्री टेस्ट क्वेश्चन, this is an entry test question। एक और लिख के चले, A 4 यूनिट है, B 3 यूनिट है। एक और लिख के MCQ, A is 4 यूनिट, B is 3 यूनिट, then they ask you what, and theta is 90 degrees, theta is 90 degrees, so what is the resultant magnitude? तो क्या आप बता नहीं सकते? theta अगर 90 degrees है तो A squared plus B squared under the root, 4 squared plus 3 squared under the root, 16 plus 9, 25 under the root is equal to 5। ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक। चले, A is equal to 4 unit, B is equal to 3 unit। टाइम अभी मेरे पास है। A is equal to 4 unit, let's suppose यहां पर लिख के, A is equal to 4, B is equal to 3, और क्या कह रहे हैं जी? रिजल्टेंट इफ ए एंड बी आर नॉट पैरेलल नॉट एंटी पैरेलल। तो रिजल्टेंट आपसे पूछ रहा है इफ नॉट
पैरेलल पैरेलल भी नहीं है ये दो वेक्टर्स, और एंटी पैरेलल भी नहीं है। इसका मतलब है कि ना तो ये मैक्सिमम हो सकता है ना ये मिनिमम हो सकता है। ऑप्शन है 7158, 7158 इसके ऑप्शन है। तो देखे मैक्सिमम कब होगा, 4 और 3 को ऐड करें 7 आता है, तो 7 तो नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। फिर एंटी पैरेलल 4 और 3 को सबट्रैक्ट करें 1, तो ये भी नहीं है, ठीक है जी। अब 5 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है इनमें से, लेकिन 8 तो मैक्सिमम से ज्यादा है, 8 मैक्सिमम से ज्यादा है, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। समझ आई, बिल्कुल आई। अच्छा, इसमें जी एक एक और इम्पॉर्टेंट बात है जी, और वो ये है कि अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है जी, कि अगर ये दोनों वेक्टर्स जो है ये इक्वल हो, यानी कि अगर मैं लिखता हूँ, लेट से रेड पेन से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, फिर मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। इफ ए बराबर हो जाए जी बी के, इफ ए इज इक्वल टू बी, तब ये क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज पे देखे रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस ए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो रिजल्टेंट बराबर होगा जी 2a के, या फिर आप लिख सकते हैं दिस वुड बी इक्वल टू 2b, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। Similarly for theta is equal to 45 degrees, if the two vectors are equal, the resultant would be under the root 2 times a squared, or under the root 2 times b squared, right? Similarly, for theta is equal to 90 degrees, you will have what? For theta is equal to 90 degrees, let me have a little space over here. तो क्या करेंगे जी, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो क्या ये 2a स्क्वायर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, अंडर द रूट a का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर द रूट 2a आ जाएगा, और अंडर द रूट 2b, व्हाई, बिकॉज a एंड b आर इक्वल, ऑलराइट। और सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज पे क्या होगा जी, 180 डिग्रीज पे ये 0 होगा, 180 डिग्रीज पे ये 0 होगा, ऑफ कोर्स द रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0, और द रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल वेक्टर जब होंगे, सो दिस वुड बी अ नल वेक्टर। ये मैं रेड पेन पे जो कर रहा हूं, दिस इज फॉर टू इक्वल वेक्टर्स, एंड फॉर 120 डिग्रीज आप करें, रिजल्टेंट मेरे ख्याल में आ जाएगा जी ए के इक्वल आ जाएगा, या फिर बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ये आप खुद करें। ये एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और यहां पे मेरे ख्याल में यहां पे मुझसे गलती हुई है जी, आपके पास इक्वल का साइन भी इधर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि थीटा 0 भी हो सकता है, 180 डिग्रीज भी हो सकता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, तो ये आप इक्वल का साइन लगाए। ये एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये क्वेश्चंस है जी, ये आप अपने जहन में रख के, सबसे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एंट्री टेस्ट का, व्हाट इज द पॉसिबल सम, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो कॉमनली यूज्ड एंगल्स है 0, 45, 90, 120, 180, इस तरह के एंगल्स पर आपको कॉस और साइन की वैल्यूज याद होनी चाहिए। और बस, दैट वाज ऑल अबाउट दिस डिस्कशन, दिस इज अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। मैं आपसे मुलाकात करूंगा जी नेक्स्ट वीडियो में, वेयर वी विल सी अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।